Hey dear friends, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो BSc first year के important questions को कर रहे हैं हम discuss, जिसमें हमने already mathematics, physics, chemistry और computer major part को discuss कर चुके हैं। तो आज के इस video में हम discuss करेंगे computer science के वो वाले portion में जो major और minor दोनों वाले students को आने वाला है ना। तो जो दूसरा वाला वीडियो था कंप्यूटर का, वो केवल मेजर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब ये वाला जो सब्जेक्ट रहेगा आपका, ये मेजर वाले स्टूडेंट्स का भी है, माइनर वाले स्टूडेंट्स का है भी है। तो माइनर वाले स्टूडेंट भी इसे आराम से देखें और इतने क्वेश्चन प्रिपेयर करके ही जाएं एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखिए कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाउ इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, या और में ही इसी का दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कैसे भिन्न है, इसी का ही और में इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसके आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेच्ड प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन इसके आगे चलते हैं तो डिस्क्राइब डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन टेक्निक्स। अब जिसमें कि ये दोनों तो भाई इम्पॉर्टेंट है भयंकर। उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इसी में से शॉर्ट नोट हमें लिखना हुआ है लिखना है। तो शॉर्ट नोट में प्रॉब्लम एनालिसिस और उसके बाद कोडिंग, टेस्टिंग और ड्यूबजिंग ये भी कर सकते हैं, मेंटेनेंस भी कर लीजिए। ओके, तो ये शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद शॉर्ट नोट C++ लैंग्वेज पर, इसकी एक प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसके बाद इसके यूजेस क्या होते हैं। उसके बाद जो है ये शॉर्ट नोट आपको करेक्टर सेट, कीवर्ड, आइडेंटिफायर और कांस्टेंट और लिटरल पर लिखना हुआ है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C++ द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले सभी डेटा टाइप समझाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटर, लिस्ट आउट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला जो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है, और उसके आगे चलते हैं। तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये वाला, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, एक्सप्लेन अ डिफरेंट डिसीजन मेकिंग जो है स्टेटमेंट जो C++ में यूज़ होते हैं। तो ये चारों पार्ट जो है ये सभी इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन भी इसके साथ में इम्पॉर्टेंट है। और उसके आगे चलते हैं तो मॉड्यूल टू में आ जाते हैं, और यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन जो है विथ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन फॉलोइंग फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल लूप, और ये वाला भी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लूप स्टेटमेंट यूज इन से C++। उसके आगे चलते हैं तो हमें इनका कंपेरिजन भी कर लीजिए, और उसके बाद शॉर्ट नोट लिखिए ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न एंड गो टू इस पे। और देन इसके बाद जो है व्हाट इज फंक्शन, लिस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और शॉर्ट नोट लिखना है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स पे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है रिकर्शन, गिव एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, व्हाट इज एरे, ठीक है, और 1D array, 2D array, ये सब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं तो आता है स्ट्रक्चर, पहला ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके आगे चलते हैं, व्हाट इज़ यूनियन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
वो है बाइनरी सर्चिंग क्या है, एक्सप्लेन सूटेबल एग्जांपल। और उसके बाद जो अगला एग्जांपल है, इसमें आपको एफ ओपन और एफ क्लोज, एफ ओपन और एफ क्लोज जो है डिटेल में समझाना है। देन इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन करना है, एल्गोरिदम को डिफाइन करना है, और उसके बाद सॉर्ट नोट ऑन ऑब्स्ट्रैक्ट टाइप डेटा पे भी आपको लिखना है। उसके बाद चलते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिफरेंस बिटवीन लीनियर नॉन लीनियर, होमोजेनस और स्टैटिक डायनेमिक और परमिटिव और नॉन परमिटिव। ओके, इस अब इन चारों में से में भी चांसेस है कोई एक आपको डिफरेंस देखने को मिल जाए एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, फिर चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। यहाँ से जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिंग्ड लिस्ट क्या होती है। ओके, और उसके बाद सिंगली रिंग लिस्ट क्या होती है, एक्सप्लेन करके बताना है। और उसके बाद जो है इंटरसेक्शन ऑपरेशन ऑफ द सिंगली रिंग डिस्क क्या होता है, फिर डबली रिंग्ड लिस्ट क्या होती है, और सर्कुलर शेप क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है, हाउ ए पॉलीनोमियल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए रिंग्ड लिस्ट एक्सप्लेन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे चलते हैं तो स्टैक से आप क्या समझते हैं यूजिंग, ये तो नहीं है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद जो है पी ओ पी ऑपरेशन ऑन स्टैटिक स्टैक क्या होता है, राइट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। और फिर इसके बाद ये जो तीन पॉइंट दिए हुए हैं, इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्ट फिक्स नोटेशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो हाउ द कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स, सॉरी पोस्ट फिक्स, ये वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं ये क्वेश्चन। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, व्हाट इज रिकर्सन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं, फिर व्हाट इज क्यू, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर संक्षिप्त एप्लीकेशन ऑफ क्यू है ना, शॉर्ट नोट लिखना है आपको, और एक्सप्लेन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। और इसके बाद चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, तो डी क्यू को ऑपरेशन से समझाइए। इसके बाद ट्रेस से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद जो है ये जो क्वेश्चन है बाइनरी ट्री, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो तीन पार्ट इम्पोर्टेंट है। इसके आगे और चलते हैं तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा, ये वाला प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। फिर थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, ए वी एल पर शॉर्ट नोट लिखिए। फिर इसके आगे चलते हैं तो राइट वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ग्राफ। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक्सप्लेन द इंटरसेक्शन इंजर्शन सॉर्ट बाय मेकिंग सुइटेबल एग्जांपल, ये नहीं है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और एक ये भी कर सकते हैं हम। फिर इसके आगे चलते हैं अगला, एल्गोरिदम के हीप सॉर्ट को समझाइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हैशिंग एंड हैश टेबल को समझाइए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके आगे चलते हैं जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताइए, डॉक्टर सरताज साहनी के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस ये कुछ इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके माइनर वाले कंप्यूटर में, तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आपको करके ही जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। इसके अलावा आप करते रहना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।